दोस्तों, हम लोग 1,00,000 रुपए की पतंग स्टैश लेकर के आए थे, जो कि 2024 की स्पेशल स्टैश थी, बहुत बड़ी। और पिछले वीडियो में हमने बिल्कुल टेस्टिंग नहीं करी थी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था। तो आज हम लोग हमारी उस 1,00,000 रुपए की काइट स्टैश की टेस्टिंग करने वाले। हमारे पास में बहुत अलग अलग तरीके की पतंग गाइस, इनको उड़ा के देखेंगे कौन सी पतंग बढ़िया उड़ती है, इतनी ज्यादा वेराइटीज हैं, और कौन सी चीज आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं। और साथ ही साथ में इस वीडियो में हम एक जो है बहुत ही स्पेशल चीज भी करेंगे, जो कि आपको वीडियो के साथ में पता लगेगा, और उस चीज में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। ये वाली पतंग उड़ाएंगे, इतनी बड़ी ये कैसे उड़ती है उसकी तरह? वो जो कौन सी मछली होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, जेलीफिश की तरह उड़ती है एकदम। ये देखो गाइस, ओ रत्तरी ये क्या हो गया भाई। ये है गाइस अपनी खुद की पतंग, क्योंकि इसका नाम है ए, यानी कि अमित पतंग। जो मेरी ये पतंग काट देगा ना, उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। गाइस, करतार के पास शहंशाह वाला मंजा है, लेकिन मेरे पास अमित वाली पतंग है। और तेरी टूट गई यार, कटी नहीं है वो, और टूट गई मेरी पतंग तो हाथ में से यार। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। लो, सेंस आ गया। अरे यार, ड्रोन से काट दिया। चीटिंग करता है तू। तेरे का देख रहा हूँ गाइस, मैं कौन से वाले से उड़ाऊँ इस बार। पिछली बार वाला जो है बड़ा ही सस्ता रह गया मेरा। गाइस, इस बार मैंने निकाला एकदम चमचमाता हुआ ग्रीन कलर वाला मांजा निकला है। किसकी कट्टी? गाइस, ये दोनों मेरे से डर गए, इसलिए दोनों ने अपनी पतंग कटवा ली आपस में। नहीं भाई, कभी नहीं मिलेंगे। फोन पे नंबर छोड़, छोड़ ही है। मेरा ड्रोन पड़ गया, छोड़ो ड्रोन पड़ गया। हैं? क्या हो गया? ड्रोन गिर गया। ड्रोन गिर गया। मांजा उलझ गया। गाइस, पतंग के मांजे में अलझ के ड्रोन हमारा है ना, वो क्रैश हो चुका है, और पता नहीं भाई यही कहीं गिरा है। मिल गया, ओ मिल गया। रुको, क्या हाल है इसके? ओ तेरी, उठाना भाई साहब, इतना सारा मांजा। ये देखो भाई, इधर भी। हम लोग पतंग की टेस्टिंग कर रहे थे, हमारा ड्रोन जो है गाइस वो गिर गया, और ये हालत देखो, ड्रोन की हालत ये हुई है। पतंग का मांजा उलझ गया ब्लेड्स में, और एक में नहीं, इसमें भी देखो, इसमें भी उलझा हुआ बुरी तरीके से, इसमें उलझा हुआ है। इसकी जो पंखड़ी है, जो प्रोपेलर है, वो ही गायब है गाइस, और ड्रोन जो है मिट्टी में धस के जोर से गिरा है। गाइस, आज है अगला दिन, और सीधा टेस्टिंग पर आते हैं। सेम मांजे का यूज करेंगे, दोनों जो है सेम चरके हैं, सेम क्वालिटी के, सेम रेट के, ताकि ये चीज सेम रहे, और फिर करेंगे पतंग का टेस्टिंग। गाइस, हमारे पास में दो स्टैंडर्ड पतंग है, सबसे पहले इसके बाद जो है मजेदार पतंग भी आएंगी। एक कागज की नॉर्मल पतंग 1.5 करने की, और जो पन्नी की नॉर्मल स्टैंडर्ड वाली पतंग होती है, देखते हैं कागज जो है वो कटती है फिर पन्नी वाली पतंग कटती है। एक टीम जो है उसको कागज दे देते हैं, एक टीम को पन्नी दे देते हैं। मेरी टीम में है बबलू, इधर आ जा। मोहित की टीम में है राहुल। गाइस, ये लोग कागज की पतंग लेंगे, और हम कोशिश करेंगे पन्नी की पतंग से इनकी कागज वाली उड़ाने की। चलो गाइस, सबसे पहले इसके जो डोसे हैं वो डाल लेते हैं सादा से। तो गाइस, वी आर रेडी टू फ्लाई। ओ भाई, बहुत मस्त उड़ रही है ये वाली। तो भाई, यहाँ पर मंजा सेम है, तो ये देखना है कि पन्नी वाली कटेगी या कागज वाली। और ये लेंस, ये चश्मा लगाने के बाद अब मुझे थोड़ा सा दिखाई देने लग गया भाई। है, डल रखी है बबलू। हमने पन्नी से इनकी कागज की पतंग वो देखो इनकी पतंग भाई कहाँ हवा में घूम रही है, कट कुटा के। तुम्हारे तो खुद की चॉइस की पतंग थी, हमने तो इनको ऑप्शन दिया था गाइस, और हमने काट दिया इनकी कागज की पतंग पन्नी से। गाइस, ये लोग दूसरी उड़ा रहे हैं, और अब ये पन्नी जो है इसकी टक्कर कराते हैं बाकी कागज की पतंग से। वो जो पतंग है ना भाई, नीचे नहीं आ रही, बहुत ऊपर गई, कटने के बाद गई, मतलब जाए जा रही है भाई साहब।
और ये लोग दूसरी पतंग जब तक तैयार कर रहे हैं तब तक अपना बच्चा पतंग उड़ा रहा है, उड़ा ले भाई जब तक। पकड़ 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 ना पकड़ पतंग भाई, इन्होंने हमारी पतंग तोड़ दी है तो इसीलिए अब दूसरी उड़ाएंगे हम, और हमारी कटी थोड़ी है, इन्होंने खुद ने तोड़ी है उसको थोड़ा माना जाएगा। भाई पन्नी की पतंग जो है वो बढ़िया गाइस, कागज की मत खरीदना कोई। अरे मान का खराब हमारा। इस बार मैंने डील नहीं मारी, इस बार खींच दिया मैंने। गाइस टेस्टिंग की शुरुआत करते हैं इन पतंग के साथ जो कि ऐसी पन्नी में आती है, और यहाँ पर ये वाली जो है सबसे छोटी है लेकिन ये मुझे मजेदार लग रही है, तो इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं गाइस ये कैसी पतंग है और कैसे उड़ती है। ऐसी पन्नी है ये जो है गाइस, इसकी पतंग है और जो पतंग है वो कुछ ऐसी है गाइस। ये पतंग है, एक डंडी मेरे हाथ में और एक डंडी इसके अंदर भी डंडी है, एक डंडी यहाँ पर अंदर है, एक इसके अंदर भी है। इसको ऐसे डालना है और इसको टाइट करके इसमें डाल देना है। और गाइज ये जो पतंग है उड़ने के लिए तैयार है, चलो इसमें मांजा बांधते हैं। गाइज आपको क्या लगता है ये पतंग उड़ पाएगी? भाई इसका साइज बहुत छोटा है। ओ भाई, और उड़ गई अरे उड़ गई ये पतंग। ओ भाई साहब, भाई ये पतंग बहुत अजीब है उड़ाने में। भाई ये जो पतंग है बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये उड़ गई गाइज। मुझे तो उम्मीद नहीं थी इससे, तो बहुत मस्त उड़ रही है अभी। देखो क्या बात है, क्या मस्त उड़ रही है। अरे वाह, और इसका जो कलर है ना वो भी रंग बिरंगा है भाई एकदम। और गाइज इस पतंग को मैं यहाँ पर बांध देता हूँ क्योंकि अपने आप उड़ती है। गाइज वहां पर चार पतंग उड़ रही है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हम ये जो बड़ी वाली है अब इसकी भी टेस्टिंग करते हैं, चारों क्या मजेदार लग रही है। लेकिन ये हवा की पतंग है, जब हवा चलती है तभी उड़ती है। चील पतंग, जिसको आप काइट पतंग, क्योंकि ये काइट ही है गाइज, चील को भी काइट बोलते हैं, तो ये काइट काइट हो गई भाई। आगे हवा में गाइस कितना बड़ा पक्षी उड़ रहा है भाई साहब। भाई सुन लो भाई, गाइस मेरे पास में यहाँ पर है पूरे 1,00,000 रुपए। आप लोग देख सकते हो कितने सारे पैसे हैं मेरे पास में। बहुत पैसे अपने पास। और ये 1,00,000 जो रुपए हैं ये तुम में से किसी के होने वाले हैं। हम लोग 2 राउंड्स रखेंगे 50,000 रुपए के। यहाँ पर ये 4 लोग हैं, इनको पूरी छूट है चारों में से, मतलब कोई सी भी पतंग इन 2,500 में से चूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पतंग उठा सकते हो, कोई भी मांजा उठा सकते हो। तुम चारों लोग उड़ाओगे 4 पतंग अपनी खुद की चॉइसेस के, अपने खुद के चॉइस के मांजे से। और जिसकी पतंग लास्ट में बचेगी, आपस में बेचे लड़ाओगे, जिसकी लास्ट में बचेगी वो जीतेगा 50,000 रुपए 1 राउंड में, और दूसरे राउंड में भी 50,000 रुपए। तो देखते हैं गाइस इनमें से कौन जीत पाता है। अपनी अपनी पतंग चूज कर लो। दोस्तों ये चारों लोग रेडी हैं अपनी पतंग के साथ में। यहाँ पर अंक कितने ली है ये वाली पन्नी की, बड़े साइज की पतंग और चरखा? भाई मैंने लिया है सेंसर वाला चरखा। अरे वहाँ रखा भाई, ये जो है सबसे हैवी वाला, यानी कि सबसे ज्यादा महंगा वाला चरखा है। जीतूंगा मैं भी। और मोहित ने लिया है यहाँ पर ये पतंग जो की सिद्धू मूसे वाला, और चरखा इसने ये वाला लिया जो की काफी बढ़िया क्वालिटी का है। कौन सा है? गुलाम। गुलाम है गाइस मोहित की तरह, गजब बेइज्जती है। और ये राहुल ने जो है बहुत बड़े साइज की ब्लू कलर की पन्नी वाली पतंग ली है, और इसने यहाँ पर मांजा लिया ये वाला सुपरस्टार का है। कौन सा है? गुलाम है क्या? नहीं गुलाम तो नहीं, और कुछ है। और बबलू ने ली है रेड कलर की पन्नी वाली पतंग, और इसने जो है ग्रीन कलर वाला ये वाला मांजा लिया है। तो गाइस देख इन चारों में से कौन 50,000 रुपए उड़ाए। रेडियो कौन जीतेगा? हवा चल रही है बढ़िया भाई। चारों लोग थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह से पतंग उड़ा रहे हैं। अब अगर तुम्हारी पतंग चाहे कटे, चाहे हाथ में से टूटे, या तुम्हारे डोसे टूटे, कुछ भी हो वो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, और तुम चैलेंज से बाहर हो। यही पतंग तुम्हारे हवाले है। मोहित की उड़ चुकी है ऊपर, राहुल की भी उड़ चुकी है। भाई बबलू की जो पतंग है वो हवा में ही फट गई, और अब 3 पतंग है आसमान में फिलहाल, राहुल की, अंकित की और मोहित की। और तीनों में से देखते हैं गाइस किसकी बचती है और किसकी कटती है। बबलू मैंने बोला था ना तेरे तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। किसकी कटी है? राहुल की जो बड़ी वाली पतंग थी गाइस, किसने काटी है? अब जो है सिर्फ 2 पतंग बची है, एक अंकित की बची है, एक मोहित की बची है। दोनों में से 50,000 एक बंदा जीतेगा अभी। और दोनों की छोटी छोटी पन्नी वाली पतंग बच गई है भाई, और दोनों ने खूब लंबी बढ़ा रखी है। राहुल की इतनी बड़ी थी,
फिर भी कट गई देखो। किसकी गलती है? कट गई। मोहित की जो सिद्धू मूसे वाला पतंग थी उसने काट दिया सबको। मोहित तूने कितनी काटी है? दो पतंग। और इसीलिए ये जो 50,000 रुपए हैं गाइस ये जाते हैं मोहित को। ले भाई। गाइज ये लोग दूसरा अपना राउंड रेडी कर रहे हैं अपनी अपनी पतंग और अपना अपना चरखा और देखते हैं इस बार 50,000 कौन जीतता है। अब मैंने ले लिया कागज की पतंग दो आंख वाली। अब ये नजर रखेगी किसको काटना है किसको नहीं। गाइज जब तक ये लोग अपनी रेडी करते हैं तब तक मैं आदमी पतंग को उड़ा के टेस्ट कर लेता हूँ। अरे उड़ती तो है भाई ये। ओ तेरी भाई ये पतंग है सोचो। ये पतंग है उड़ती भी है ये तो। तो गाइस राउंड टू के लिए 50,000 की लड़ाई के लिए ये लोग तैयार है। यहाँ पर बबलू ने ली है ये वाली पतंग और पिछले वाली ये तो लगभग और इसके पास में है ग्रीन कलर का मांजा। राहुल के पास में है ये वाली पतंग जिसमें टेप लगी हुई है पिछली बार इसने छोड़ दी थी और ब्राउन कलर का मांजा। अंकित ने लिया वही शहनशाह और काले कलर की जो है पतंग और मोहित ने ली है ये रंग बिरंगी कलरफुल ट्राई कलर वाली पतंग और इसमें जो है ये वाला मांजा यूज करेगा। चलो उड़ाओ गाइस 50,000 रुपए के लिए देखते हैं इस बार कौन जीतता है। गाइस भाई चारों पतंग फिलहाल हवा में आ चुकी है। थोड़ी थोड़ी लंबी बढ़ाओ फिर डालो एक दूसरे में। तीन तो यहीं पे ही है। मोहित अपनी अलग उड़ा रहा है। शहनशाह की तरह मेरी पतंग अभी भी उड़ रही है। देखते हैं भाई किसकी कटती है और इस बार सबने थोड़ा दिमाग लगाया पिछली बार की तरह चाय जो नहीं लिया। अरे आजा अंकित कट गई बबलू की। और बबलू की पतंग कट गई भाई। पिछली बार भी सबसे पहले कटी थी और इस बार भी बबलू की पतंग कट गई इसी खेत में गिर गई। अब जो है तीन लोगों में कॉम्पिटिशन बचा है अंकित राहुल और मोहित में। भाई साहब राहुल की जो पतंग है वो भी कट चुकी है और वो गई दूर। अब जो फिर से मुकाबला है वो आ गया अंकित में और मोहित में वहां पे। भाई अब इन दोनों की पतंग जो है वो पेचे लड़ाई की देखते हैं उनमें से कौन जीत। कट गई। अरे यार अंकित ने काट दिया इस बार मोहित की पतंग भाई और तीनों पतंग जो है वो कट चुकी है। मोहित अपना जो मंजा वो लपेट रहा है और अंकित यहाँ पर जीत चुका है 50,000 रुपए। ये तो इसका यही था भाई साहब 1,00,000 रुपए जो है सिर्फ तीन पतंग काटने पे मिल रहे थे। गाइज ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता लेकिन इन लोगों ने गंवा दिया है। मोहित ने और अंकित ने 50,000 जीत लिए। बबलू का और राहुल का मौका गया। गाइज अब बारी है हमारी इतनी सारी पतंग को ठिकाने लगाने की। गाइज ठिकाने लगाने से हमारा मतलब है कि इन पतंग का हम क्या करेंगे भाई इतनी सारी तो कोई नहीं उड़ा सकता। मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा कितनी उड़ा सकते हैं 5, 10, 20, 50, 100, 200 लेकिन हमारे पास 2500 है। तो गाइज हमने सोचा है कि हम इनको बांट देंगे बच्चों में। तो गाइज समेटते हैं अपनी पतंग को और लेके चलते हैं। ओ भाई लोड करो जल्दी से पतंग। गाइज यहाँ पर है बहुत सारी पतंग जो कि हम लेके जा रहे हैं बच्चों में बांटने के लिए। गाइज इसमें से हम उड़ाने के लिए पतंग रखेंगे बाकी सारी बच्चों में बांट देंगे। इसमें बहुत सारे सद्दा हैं गाइज बस रोक ले। अरे आ जाओ बालको आ जाओ। गाइज यहाँ पर हमें बहुत सारे बच्चे मिल गए। पतंग चाहिए किसी को? किस किस को चाहिए पतंग? बड़ी चाहिए छोटी चाहिए बताओ? अच्छा तुम खुद तो छोटे छोटे हो कितनी बड़ी उड़ाओगे? सबको बड़ी पतंग चाहिए। सबसे पहले सबसे छोटे बच्चों को ठीक है। कैसा लग रहा है? निकालो बढ़िया उड़ाएगा। कौन कितनी पतंग काटेगा? भाई कितनी पतंग? 7 पतंग भाई 2 बार ले ली तूने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है ये लो। थैंक यू। पतंग चाहिए तुम लोगों? कौन कौन उड़ाता है पतंग? इधर आ जाओ रोड के इस साइड आ जाओ सब लोग। पीछे आ जाओ भाई लाइन में। दे रहा हूँ। भाई साहब अमित भैया एक नंबर का बढ़िया काम कर रहा है। एक गरीबों को पतंग और मांजा दे रहा है। थैंक यू अमित भैया।
रुको 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 ले जाओ रुको रुको अरे ना ऐसे मत करो ये लो रुको दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ हाँ आ जाओ हाँ भाई की फोटो ले लो मेरे साथ ये लो भाई लो ये छोटी वाली कैन चाहिए आपको चाहिए एक एक लेके आप चलो घर चलो ये पकड़ो तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आएगा हमारे इस स्टैश टेस्टिंग में ये जो था अपने आप में एक अनूठी वीडियो है काइट स्टैश हम लोग लेके आए फिर हमने आपको दिखाई उसके बाद हमने टेस्टिंग करी और हमने जो पतंग है वो बच्चों में बांट दी हालांकि जो सारी पतंग है गाइज वो हम नहीं बांट पाए हैं अभी भी लगभग आधा सा स्टॉक हमारे पास में बाकी है तो लगभग 1,000-1,200 पतंग बाकी हैं तो गाइज उनको भी हम लोग बांट देंगे गाड़ी में तो लगभग खत्म हो गई लेकिन घर पे जो है थोड़ी सी और रखी हुई है तो उनको भी हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कुछ उड़ाने के लिए थोड़ी बहुत रखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आया होगा और गाइज जब किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है जैसे कि इन बच्चों के ऊपर है तो भाई दिल खुश हो जाता है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी चीजें गाइस खुशी जरूर से देती हैं तो आप सब लोग अब इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।